लॉजिकल रीजनिंग एल आर का टॉपिक, एनालॉगी किसका टॉपिक है ये, एल आर का, लॉजिकल रीजनिंग। एनालॉगी मीन्स जैसा हमें पता है कि किसी चीज को एनालॉग करना, कि सिमिलर सिमिलैरिटी क्या है, लाइक कॉज एंड इफेक्ट इसका एक फर्स्ट टाइप होता है। जैसा हमें पता है कि गोइटर आयोडीन के डेफिशिएंसी से होता है, ऐसे पूछा है एनीमिया किसके डेफिशिएंसी से होता है, तो एनीमिया आयरन की डेफिशिएंसी से होता है, ब्लड की कमी हो जाती है बॉडी में, दैट पर्सन इज नोन एज एनीमिक पर्सन, एंड वो किसकी डेफिशिएंसी से होता है, आयरन की डेफिशिएंसी से। तो ऐसे आपको सिमिलैरिटी ढूंढनी है। और क्या हो सकता है इसमें, ऐसा हो सकता है सबसेट और सेट हो, जैसे पेज इज रिलेटेड टू बुक, पेज बुक के अंदर आता है, लीफ इज रिलेटेड टू व्हाट भाई, लीफ किसका पार्ट है, तो ट्री का पार्ट है, फॉरेस्ट मत लिख देना ना, ट्री का पार्ट है लीफ। तो सबसेट और सेट एक इसका सेकेंड टाइप है। फर्स्ट टाइप हमने देखा कॉज एंड इफेक्ट हो सकता है, सेकेंड सबसेट टू सेट हो सकता है। तो भाई यहाँ जनरल नॉलेज भी काम आएगा आपका, ना ये पता होना जरूरी है कि आयरन की कमी से एनीमिया होता है, तो क्वेश्चन इसमें कुछ भी पूछा जा सकता है। करंट इज रिलेटेड टू एम्पियर, करंट की यूनिट, क्वांटिटी एंड यूनिट पे आ गया क्वेश्चन, करंट की यूनिट होती है एम्पियर। सेम वे वेट इज रिलेटेड टू व्हाट, वेट की यूनिट क्या होती है भाई, स्केल तो होती नहीं है, पाउंड होती है ना, केक लेने जाते ना, कितने पाउंड का केक चाहिए, आधे पाउंड का, एक पाउंड का, तो वो क्या हो गया, वेट की यूनिट है। अब ये बोलेंगे बच्चे कि भाई मैं तो कॉमर्स वाला बच्चा हूँ, मुझे कहाँ से पता चलेगा कि करंट की यूनिट एम्पियर, तो टेंथ में पढ़ा है, ये कोई नई चीज नहीं है, तो पुरानी चीजें भी याद होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि बस टेंथ निकल गई तो भूल जाए। इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट पे आ सकता है, सीज्मोग्राफ अर्थ को एक मेजर करने के काम आता है, थर्मामीटर किस काम आता है, क्या मेजर करता है थर्मामीटर, टेम्परेचर। कुछ बच्चे बोलते हैं फीवर मेजर करता है, तो गलत है ना, क्योंकि वो ये पूछ रहा है कि क्या क्वांटिटी मेजर करता है, तो दैट मेजर्स टेम्परेचर। तो बच्चे ऐसे भी होते हैं जो क्या लगा के आ जाते हैं, फीवर मेजर करता है, कभी कभी बोलते डॉक्टर के पास यूज होता है, ऐसा नहीं, थोड़ा रिलेशन बनाओ। सीज्मोग्राफ अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को मेजर करता है, थर्मामीटर टेम्परेचर की क्वांटिटी को मेजर करता है, इसलिए इंस्ट्रूमेंट और मेजरमेंट से रिलेटेड हो गया। फिर वर्कर एंड टूल से रिलेटेड हो सकता है, जैसे डॉक्टर यूज करता है स्टेथोस्कोप, पेंटर क्या यूज करता है भाई, ब्रश, है ना, पेंटिंग मत लिखना, क्या यूज करता है, ब्रश, क्योंकि डॉक्टर स्टेथोस्कोप एज एन इंस्ट्रूमेंट यूज करता है, पेंटर ब्रश को एज एन इंस्ट्रूमेंट यूज करता है, तो ये हुआ वर्कर एंड टूल का रिलेशन। टाइप समझते जाओ कितने होते हैं। सेक्स रिलेशनशिप, भाई ये सेक्स रिलेशनशिप कैसी होती है समझना, बुल इज रिलेटेड टू काउ, बुल मेल, काउ फीमेल, हॉर्स मेल और फीमेल क्या होता है हॉर्स का, मतलब ये भी पता होना चाहिए, इंग्लिश भी आनी चाहिए, मतलब मेयर, ठीक है, नहीं तो ये रिलेशनशिप सुनते ही बच्चे खुश हो जाते हैं। वर्ड एंड सिनोनिम भी हो सकता है, डर्थ इज रिलेटेड टू स्केयरसिटी, सिनोनिम है डर्थ का, सिनोनिम स्केयरसिटी। सब्स्टिट्यूट मीन्स क्या होता है, रिप्लेस, सिनोनिम चाहिए ना, सेम होता है, डर्थ एंड स्केयरसिटी सेम वर्ड है, सब्स्टिट्यूट रिप्लेस सेम मीनिंग वाले वर्ड है, तो दैट इज सिनोनिम्स। अपोजिट मीनिंग वाले को क्या बोलते हैं हम, ये एंटोनिम्स आ गए अपोजिट मीनिंग वाले। हेट इज रिलेटेड टू लव, अपोजिट वर्ड। क्रिएट इज रिलेटेड टू डिस्ट्रॉय, ठीक है, तो अपोजिट मीनिंग ढूंढना था हमें, अपोजिट। तो ये भाई एनालॉगी बहुत इजी है। वर्कर एंड वर्किंग प्लेस, सेलर कहाँ वर्क करता है, शिप पे, लॉयर कहाँ वर्क करता है, कोर्ट में, लीगल मत करना, लॉ मत करना, कहाँ काम करता है, कोर्ट में काम करता है, तो ये इसका रिलेशन हो गया भाई। अगला टाइप देखें, स्टडी एंड टर्मिनोलॉजी, न्यूमिस्मैटिक वो होता है जो कॉइन को स्टडी करता है, लिखा है न्यूमिस्मैटिक कॉइन को स्टडी करता है। पैलेनाटोलॉजी टेंथ में पढ़ा होगा तुम लोगों ने, फॉसिल्स की स्टडी को बोला जाता है, फॉसिल्स की स्टडी को क्या बोलते हैं हम, पैलेनाटोलॉजी।